ओम शांति। आज बाबा के 19 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलानी। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता, याद करो और पवित्र बनो। प्रश्न है, तुम मैसेंजर व पैगंबर बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है? हम मैसेंजर पैगंबर बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में हमें ज्यादा आर्ग्यू नहीं करनी? तो बाबा ने बताया, तो मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यही ओना रखो, बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है, जिससे वह आस्तिक बने। जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, हम धरती के सितारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम सत्य तीरथ वासी हैं, सच्चा पंडा, और हम उनके बच्चे जो हैं वह भी सच्चे तीरथ पर जा रहे हैं। यह है झूठ खंड अथवा पतित खंड। अभी सच खंड व पावन खंड में जा रहे हैं। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं ना, कोई कोई खास यात्राएं लगती हैं जहां पर कोई कभी भी जा सकते हैं। यह भी यात्रा है, इसमें जाना तब होता है जब सत्य पंडा खुद आए। वह आता है कल्प कल्प के संगम पर। इसमें न ठंडी न गर्मी की बात है, न धक्के खाने की बात है। यह तो है याद की यात्रा। उन यात्राओं में सन्यासी भी जाते हैं। सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं वे पवित्र रहते हैं। तुम्हारे में सभी यात्रा पर हैं। तुम ब्राह्मण हो, सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन हैं जो कभी भी विकार में नहीं जाते हैं? पुरुषार्थी तो जरूर है, मनसा संकल्प भले आए, मुख्य है ही विकार की बात। कोई पूछे, निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास? बोलो, ये पूछने की बात नहीं है, इन बातों से आपका क्या पेट भरेगा। तुम यात्री बनो। यात्रा करने वाले कितने हैं इस पूछने से कोई फायदा नहीं है। ब्राह्मण तो कोई सच्चे भी हैं, कोई झूठे भी हैं। आज सच्चे हैं, कल झूठे बन जाते हैं। विकार में गया तो ब्राह्मण नहीं ठहरा, फिर शूद्र का शूद्र हो गया। आज प्रतिज्ञा करते कल विकार में गिर असुर बन जाते हैं। अब यह बातें कहां तक बैठ समझाएं? इनसे पेट तो नहीं भरेगा, वह मुख मीठा नहीं होगा। यहां हम बाप को याद करते हैं और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी और बातों में कुछ रखा नहीं है। बोलो, यहाँ बाप की याद सिखाई जाती है और पवित्रता है मुख्य। जो आज पवित्र बन फिर अपवित्र बन जाते हैं तो वह ब्राह्मण ही नहीं रहा। वह हिसाब कहाँ तक बैठ तुमको सुनाएंगे? ऐसे तो बहुत गिरते होंगे माया के तूफानों में। इसीलिए ब्राह्मणों की माला
नहीं बन सकती है। हम तो पैगंबर के बच्चे पैगाम सुनाते हैं, मैसेंजर के बच्चे मैसेज देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। ये ओना रखो, बाकी प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछेंगे, सिवाय एक बात के और कोई बातों में जाने से कोई फायदा ही नहीं। यहाँ तो ये जानने का है कि नास्तिक से आस्तिक, निधन के से धन के कैसे बने, जो धनी से वर्षा पाए यह पूछो, बाकी तो सब पुरुषार्थी हैं। विकार की बात में ही बहुत फेल होते हैं, बहुत दिनों के बाद स्त्री को देखते हैं तो बात मत पूछो। कोई को शराब की आदत होती है, तीर्थों पर जाएंगे तो शराब अथवा बीड़ी की जिनको आदत होगी वह उसके बगैर रह नहीं सकेंगे, छिपा कर भी पीते हैं, कर ही क्या सकते। बहुत है जो सच नहीं बोलते हैं, छिपाते रहते हैं। बाबा बच्चों को युक्तियां बतलाते हैं कि कैसे युक्ति से जवाब देना चाहिए। एक बाप का ही परिचय देना है जिससे मनुष्य आस्तिक बने। पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक कोई प्रश्न पूछना ही फालतू है। ऐसे बहुत आते हैं, समझते कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनते रहते, फायदा कुछ भी नहीं। बाबा को लिखते हैं, 1,000-2,000 आए, उनसे 2-1 समझने लिए आते रहते हैं। फलाना फलाना बड़ा आदमी आता रहता है, हम समझ जाते हैं, उनको जो परिचय मिलना चाहिए वह मिला नहीं है। पूरा परिचय मिले तो समझें, ये तो ठीक कहते हैं। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, वे पढ़ाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। जो पवित्र नहीं रहते वे ब्राह्मण नहीं शूद्र हैं। लड़ाई का मैदान है, झाड़ बढ़ता रहेगा और तूफान भी आएंगे, बहुत पत्ते गिरते रहेंगे। कौन बैठ गिनती करेंगे कि सच्चे ब्राह्मण कौन है? सच्चे वह जो कभी शूद्र न बने, जरा भी दृष्टि न जाए, अंत में कर्मातीत अवस्था होती है, बड़ी ऊंची मंजिल है, मनसा में भी न आए, वह अवस्था अंत में होनी है। इस समय एक की भी ऐसी अवस्था नहीं है, इस समय सब पुरुषार्थी हैं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। मुख्य आँखों की ही बात है, हम आत्मा हैं, इस शरीर द्वारा पार्ट बजाते हैं, ये पक्का अभ्यास चाहिए। जब तक रावण राज्य है तब तक यह युद्ध चलता रहेगा, पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी, आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी, समझते जाएंगे। अभी तो झाड़ बहुत छोटा है, तूफान लगता है, पत्ते गिर पड़ते हैं, जो कच्चे हैं वे गिर पड़ते हैं। हर एक अपने से पूछे मेरी अवस्था कहाँ तक है। बाकी जो प्रश्न पूछते हैं उन बातों में जास्ती जाओ ही नहीं। बोलो हम बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं, वह बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं अथवा नई दुनिया स्थापन करते हैं, वहां सुख ही होता है। जहां मनुष्य रहते हैं उसको ही
दुनिया कहा जाता है, निराकारी वर्ल्ड में आत्माएं है ना, ये किसी की बुद्धि में नहीं है कि आत्मा कैसे बिंदी है। यह भी पहले कोई नए को नहीं समझाना है, पहले पहले तो समझाना है बेहद के बाप का, बेहद वर्षा देते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है, कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है, दूसरा कोई समझा न सके सिवाय बीके के। यह है नई रचना बाप पढ़ा रहे हैं, ये समझानी बुद्धि में रहनी चाहिए, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, परंतु माया भुला देती है, विकर्म करा देती है, आधा कल्प से विकर्म करने की आदत पड़ी हुई है, वह सब आसुरी आदतें मिटानी है। बाबा खुद कहते हैं सब पुरुषार्थी हैं, कर्मातीत अवस्था को पाने में बहुत टाइम लगता है, ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते, युद्ध के मैदान में चलते चलते हार खा लेते हैं, इन प्रश्नों से कोई फायदा नहीं, पहले अपने बाप को याद करो। हमको शिव बाबा ने कल्प पहले मुआफिक फरमान दिया है कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, ये वही लड़ाई है, बाप एक है, कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, कृष्ण का नाम डाल दिया है, रॉन्ग से राइट बनाने वाला बाप है, तब तो उनको ट्रुथ कहा जाता है ना। इस समय तुम बच्चे ही सारे सृष्टि के राज को जानते हो, सतयुग में है डीटी डायनेस्टी, रावण राज्य में फिर है आसुरी डायनेस्टी, संगम युग क्लियर कर दिखाना है, यह है पुरुषोत्तम संगम युग, उस तरफ देवताएं, इस तरफ असुर, बाकी उन्हों की लड़ाई कोई नहीं है, लड़ाई तुम ब्राह्मणों की है विकारों से, इनको भी लड़ाई नहीं कहेंगे, सबसे बड़ा है काम विकार, ये महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे, इस विष पर ही अबलाएं मार खाती हैं, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, मूल बात है पवित्रता की, पुरुषार्थ करते करते तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी, माया थक जाएगी, कुश्ती में पहलवान जो होते हैं वह झट सामना कर लेते हैं, उन्हों का धंधा ही है अच्छी रीति लड़कर जीत पाना, पहलवान का बड़ा नामाचार होता है, इनाम मिलता है, तुम्हारी तो यह है गुप्त बात, तुम जानते हो हम आत्माएं पवित्र थी, अभी अपवित्र बनी है, फिर पवित्र बनना है, यही मैसेज सबको देना है, और कोई भी प्रश्न पूछे तुमको इन बातों में जाना ही नहीं है, तुम्हारा है ही रूहानी धंधा, हम आत्माओं में बाबा ने ज्ञान भरा था, बाद में प्रारब्ध पाई ज्ञान खत्म हो गया, अब फिर बाबा ज्ञान भर रहे हैं, बाकी नशे में रहो, बोलो बाप का मैसेज देते हैं कि बाप को याद करो तो कल्याण होगा, तुम्हारा धंधा ही रूहानी है, पहली पहली बात कि बाप को जानो, बाप ही ज्ञान का सागर है, वह कोई पुस्तक थोड़ी सुनाते हैं, वो लोग तो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी आदि बनते हैं, वे किताब पढ़ते हैं, भगवान तो नॉलेजफुल है, उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, वह कुछ पढ़ा है क्या, वह तो सब वेदों शास्त्रों आदि को जानते हैं, बाप कहते हैं मेरा पार्ट है तुमको नॉलेज समझाने का,
ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट और कोई बता न सके। यह है ज्ञान की पढ़ाई। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट जरूर होगी। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया जरूर आनी है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो। जोर सारा इस पर है। बाबा जानते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नामी ग्रामी बच्चे इस याद की यात्रा में बहुत कमजोर हैं, और जो नामी ग्रामी नहीं, बांदेलियां हैं, गरीब हैं, वे याद की यात्रा में बहुत रहते हैं। हर एक अपनी दिल से पूछे, मैं बाप को कितना याद करता हूँ। बाबा कहते, बच्चे जितना हो सके तुम मुझे याद करो। अंदर में तुम बहुत हर्षित रहो। भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं, तुम पवित्र आत्मा थे। शरीर धारण कर पाठ बजाते बजाते पतित बने हो। अब फिर पवित्र बनना है, फिर वही दैवी पाठ बजाना है। तुम दैवी धर्म के हो ना, तुमने ही 84 का चक्र लगाया है। सब सूर्यवंशी भी 84 जन्म थोड़ी लेते हैं, पीछे आते रहते हैं ना, नहीं तो फट से सभी आ जाएं। सवेरे उठकर बुद्धि से कोई काम ले तो समझ सकते हैं। बच्चों को ही विचार सागर मंथन करना है। शिव बाबा तो नहीं करते हैं, वे तो कहते हैं, ड्रामा अनुसार जो कुछ सुनाता हूँ ऐसे ही समझो। कल्प पहले मुआफिक जो समझाया है वही समझाया। मंथन तुम करते हो, तुमको ही समझाया है, समझाना है, ज्ञान देना है। ये ब्रह्मा भी मंथन करते हैं। बीके को मंथन करना है, शिव बाबा को नहीं। मूल बात कोई से भी जास्ती टॉक नहीं करनी है। आर्ग्यू शास्त्रवादी आपस में बहुत करते हैं। तुमको कोई आर्ग्यू नहीं करना, तुमको सिर्फ पैगाम देना है। पहले सिर्फ मुख्य एक बात पर समझाओ और लिखाओ। पहले पहले ये शबक रखो कि कौन पढ़ाते हैं। सो लिखो, ये बात तुम पिछाड़ी में ले जाते हो, इसीलिए संशय पड़ता है। निश्चय बुद्धि न होने के कारण समझते नहीं है, सिर्फ कह देते बात ठीक है। पहली पहली मुख्य बात ही यह है, रचता बाप को समझो, फिर रचना का राज समझना है। मुख्य बात गीता का भगवान कौन, तुम्हारी विजय भी इसमें होनी है। पहले पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ, पुरानी दुनिया को नई दुनिया कौन बनाते हैं। बाप की बाप ही आत्माओं को नया ज्ञान सुनाते हैं, जिससे नई दुनिया स्थापन होती है। तुमको बाप और रचना की पहचान मिलती है। पहले पहले तो अलफ पर पक्का कराओ, तो बादशाही बेबादशाही है ही। बाप से ही वर्षा मिलता है। बाप को जाना और वर्षे का हकदार बना। बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप को देखा, बस पक्का हो जाएगा। माँ बाप के सिवाय कोई के पास जाएगा भी नहीं, क्योंकि माँ से दूध मिलता है, ये भी ज्ञान का दूध मिलता है। माँ पिता है ना, ये बड़ी महीन बातें हैं, जल्दी कोई समझ ना सके।
अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है, कभी शूद्र बनने का मनसा में भी ख्याल ना आए, जरा भी दृष्टि ना जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। बाप जो पढ़ा रहे हैं वह समझानी बुद्धि में रखनी है, जो विकर्म करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई हैं उन्हें मिटाना है, पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। वरदान है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। पर वृत्ति अर्थात आत्मिक रूप, जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने का यह सब आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा, बंधन नहीं लगेगा, सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा देंगे। स्लोगन है बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही। बुद्धि की महीनता अर्थात आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। शरीर की पर्सनालिटी में भी देखते हैं हल्कापन शरीर का, ऐसे हम ब्राह्मणों की पर्सनालिटी बुद्धि का हल्कापन है। अच्छा ओम शांति।